हाय गाइस, वेलकम टू शर्कर ट्रेडर्स। आज मैंने जो ये वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए, बहुत ही सिंपल और इजी। क्या मालूम है कि 100% स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है? हाँ दोस्तों, इसी का प्रूफ मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। जो सही में 100% श्योर होता है टारगेट, पर मैं डेली आपको प्रूफ करा के दिखाता हूँ। तो वीडियो का अंत तक जरूर रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, और इस तरीके से एनालिसिस और विश्वास खुद के अंदर आना है, लाना है, तो यही वीडियो काफी है आपके लिए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। टेक्निकली मैं क्या क्या देख रहा हूं, किस पे ट्रेड क्या हूं, और मेरा ट्रेड का प्रॉफिट लॉस क्या रहा है। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं इस चार्ट के अंदर। यहां पे देखिए, मैंने सिर्फ जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, ये आपको टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे सर्कल ट्रेडर्स के नाम पे बहुत सारे फेक चैनल है, बट यहाँ पे 19,956 मेंबर्स है। और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपको दिया हुआ है, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास सीखना चाहते हैं उनके लिए एक ही कॉल प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और एक ही कॉल हर रोज स्टार्ट होता है, तो एक तो प्रूफ आपके पास वो है कि इस टेलीग्राम चैनल पे 10 नवंबर अगला बैच है, और यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं कॉल दिया था और वो कॉल 100% सक्सेस हुआ। बट मैंने क्या ट्रेड लिया और आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, राइट, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन किया हूँ चोला फाइनेंस, राइट। चोला फाइनेंस का चार्ट मैं आपके सामने ओपन कर रखा हूँ। सुबह में एक बार मैं कैश ट्रेड लिया था इस जगह पे, ताकि मुझे ये क्लियर था कि जब तक ना इस लेवल को ब्रेक हो रहा है तब तक हमें अच्छा खासा टारगेट नहीं मिलेगा। बट फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, राइट। करीब सुबह इस जगह पे ले लिया था, और वहां से जब डाउन आया तो मेरा स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर आ गया, राइट। बट स्टॉप लॉस वहां पे मैं कैश में ट्रेड किया था, ठीक है। अब जो मैं अगला ट्रेड किया हूँ वो मैं ऑप्शन पे ट्रेड किया हूँ, और उसके साथ में मैं जो दूसरा ट्रेड किया हूँ वो मैं पीईएल पे किया हूँ, ठीक है, पीईएल पे कैश ट्रेड किया हूँ, राइट। तो मैं तीनों ट्रेड आपको दिखाऊंगा और किस बेस पे लिया हूं। सबसे पहले 100% श्योर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से बैठिए। जो आप ट्रेड कर रहे हैं उसको फ्यूचर प्राइस, उसका कैश प्राइस, अगर आप ऑप्शन पे ट्रेड करना चाहते हैं तो उसको ऑप्शन प्राइस। तो मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रेड जो किए हैं वो किए हैं दोस्त 750 का कॉल ऑप्शन के ऊपर, ओके, चोला फाइनेंस का 750 का कॉल ऑप्शन के ऊपर। देखिए कितनी मजेदार बात है कि मैंने यहाँ पे चार देखा, हालांकि मैं कंटिन्यू मार्केट में नहीं बैठा था दोस्त, मैं क्लियर बता रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैं आया, सुबह आप लोगों को कॉल वगैरह दिया, यहाँ पे 100% श्योर कॉल हो गया, सारे के सारे कॉल आज का दिन पे हमारा टेलीग्राम चैनल पे एक्सपायरी दिन है, ठीक है। और उसके बाद मैं दोबारा एक बार आया मार्केट में और देखा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने का तैयारी कर रहा है, ठीक है। सुबह जो मेरा लॉस हो गया था, अब दोबारा इसको ब्रेकआउट होने का तैयारी कर रहा है। ध्यान से देखिए, 15 मिनट का चार्ट है, ओके। फर्स्टली मैंने ये देखा, सेकेंडली मैं देखा इसका फ्यूचर प्राइस क्या है। तो फ्यूचर प्राइस हमेशा आना कैश प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने पॉइंट पॉजिटिव है, 4 पॉइंट फ्यूचर प्राइस पॉजिटिव है, यानी कि 0.70% के आसपास, परसेंटेज के अगर कैलकुलेशन करें तो 0.70% के आसपास ये पॉजिटिव चल रहा था फ्यूचर। सेकेंड चीज, थर्ड चीज क्या है, मैंने यहाँ पे फ्यूचर का बाइंग सीलिंग देखा, तो फ्यूचर में बायर ज्यादा था सेलर कम था, ओके। देखो ये कंसेप्ट भी कभी कभी गलत पड़ जाता है, तो इसके ऊपर हमारा अगला वीडियो भी है, जे सिर्फ बायर सेलर ही सब कुछ नहीं होता है। तो वीडियो अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो जरूर देख लीजिएगा कि सिर्फ बायर सेलर सब कुछ नहीं होता है, कभी कभी आपको धोखा लग जाएगा। तो मैं फ्यूचर का बायर सेलर देखा, मैंने यहाँ पे कैश प्राइस का बायर सेलर देखा। तो कैश प्राइस में देखो सिर्फ 2,50,000 और 2 लाख से करीब ये आपको बायर सेलर है, यानी कि जस्ट बायर मार्केट में आ रहा है, जस्ट अभी आया है, ओके। थर्डली चीज देखिए, मैंने तीसरा चीज क्या देखा, तीसरा चीज जिस ऑप्शन पे मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ उस ऑप्शन पे बायर सेलर कितना है। देखो अभी जो है ना, अभी 1,10,000, 1,12,000 है, और यहाँ पे 1,03,000। बट मैंने जब इसके ऊपर ट्रेड लिया, इस कॉल के ऊपर, तो इसका प्राइस चल रहा था 27। मैंने इसका बाइंग किया हूँ 27 पे, राइट। और उस टाइम पे जो बाइंग सेलिंग देख रहा हूँ ना, ये इसका उल्टा था, मतलब इससे जो बाई साइड में 1,12,13 था और सेल साइड में 1 लाख नियर अबाउट था, यानी कि ऑलमोस्ट 10-12 तक। मैक्सिमम टाइम आप ऑप्शन पे देखेंगे कि कॉल पे पुट पे, मान लो आप 17,500 का कॉल भी देख रहे हो, 17,500 का पुट भी देख रहे हो, ठीक है, एट द रेट माने का दोनों का, बट दोनों पे ना सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है। क्रूड ऑयल देखें कभी, क्रूड ऑयल में ना हमेशा मैक्सिमम हमेशा कॉल पुट में देखेंगे। मान लो क्रूड ऑयल 7,000 पे चल रहा है, तो 7,900 का कॉल, 6,900 का पुट,
दोनों पे आप देखेंगे सेलर पे ज्यादा है। तो आपको मैं यहां पे तीन कंफर्मेशन दिया, तीन कंफर्मेशन के अंदर क्या क्या दिया दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए मैंने क्या क्या यहां पे दिया आपको। आप अगर सिर्फ इसको देखेंगे ना आपको निफ्टी बैंक निफ्टी भूल जाओगे, इतनी मजा है इसके अंदर। ठीक है, मैंने देखा चोला फाइनेंस का फ्यूचर प्राइस, फाइनेंस का फ्यूचर प्राइस राइट, मैंने यहां पे देखा चोला का ऑप्शन प्राइस, जिस कॉल ऑप्शन पे मैं ट्रेड करने जा रहा हूं, मैं 750 का सी पे ट्रेड करने जा रहा था और 27 पे मेरा बाइंग था। ओके, और मैं यहां पे टारगेट क्या डिसाइड किया, तो टारगेट मैं डिसाइड किया 30। वाई क्यों 30 डिसाइड किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड टारगेट मेरा था 32 राइट। आप बोलोगे ये तो आप सट्टा मार रहे हो 32 था। गाइस अगर ये मानोगे सट्टा मार रहा हूं तो मेरा इसमें बिलीव कराने का कुछ भी नहीं है, बट 30 तक का तो मैं बिलीव करा सकता हूं राइट। चलो तो तीनों चीज आपको समझ में आ गया कि मैं क्या क्या देखा हूं। अगर तीनों में से कोई एक आपको नेगेटिव दिखता है तो आप वहां पे मत जाओ, मतलब आप देख रहे हो फ्यूचर में बायर सेलर में सेलर ज्यादा है, कैश में बायर सेलर में बायर ज्यादा है, ऑप्शन में बायर सेलर में बायर ज्यादा है, आप ट्रेड नहीं करोगे। ओके, आपको तीनों एक साथ मिलना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैं ये स्टॉक को सिलेक्शन क्यों किया हूं वो दिखाता हूं। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको ऑन डे का टाइम फ्रेम देखना जरूरी होता है राइट। मैंने यहाँ पे ऑन डे का टाइम फ्रेम देखा और ऑन डे का टाइम फ्रेम जब देखा हूं तो ऑन डे में पिछले दिन में एक अच्छा खासा बुलिश था, पिछले दिन में अच्छा खासा ये बुलिश था। तो चोला फाइनेंस का ऑन डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे देखिए आप, कल का सेशन पे ये कॉल ऑप्शन देख रहा हूँ, ये आपको चोला फाइनेंस का चार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, काफी दिनों से इस रेंज को ब्रेक नहीं किया था, कल इसको हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, आज इसे हाई ब्रेक करने की कोशिश फिर से अगेन कर रहा है। तो इसके बाद हमारे को और अच्छा मूव दिखा सकता है, इतना तो आप जानते होंगे ना टेक्निकल में कि आज का डेट में जिन्होंने ये वीडियो देख रहे होंगे 750 का रेट है, आने वाले दिन पे मेरा 800 रुपया का रेंज, 800 से 825 रुपया का नियर अबाउट रेंज चोला फाइनेंस में मिलने वाला है। तो समझ में आ गया मैं किस बेस पे ट्रेड लिया हूं। अब मैं मेरा ट्रेड दिखाने वाला हूं आपको। ओके, सेकेंडली मैं ट्रेड लिया था पीईएल पे। देखिए पीएल का कॉल मेरा इस टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मॉर्निंग पे दिया था, ये टुडे लास्ट कॉल पीईएल राइट, टुडे लास्ट कॉल यहाँ पे पीईएल मैंने आपको प्रोवाइड भी किया था। और आप लोगों को ट्रेड देने के बाद ये देखिए टुडे लास्ट इक्विटी कॉल पीईएल राइट, आप लोगों को ट्रेड जब टारगेट अचीव हो गया उसके बाद भी मैं यहाँ पे ट्रेड लिया। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो ट्रेड लिया हुआ है उसका क्या क्या ट्रेड लिया हूँ मैं सुबह से। आज एक्सपायर के दिन था, मैं अगर चाहता तो मैं ऑप्शन पे भी ट्रेड कर लेता बैंक निफ्टी निफ्टी पे, बट मैं क्यों नहीं करता हूँ। ठीक है, जब तक मैं आप लोगों को ट्रेड देता हूँ, अगर मैं खुद आज ट्रेड लेके बैठ जाऊँगा तो फोकस फुल्ली फोकस मेरा ट्रेड पे रहेगा, मान रहे कि नहीं, फुल्ली फोकस मेरा ट्रेड पे रहेगा। आपका कब स्टॉप लॉस चला जाएगा कि कब आपको अलर्ट करना पड़ेगा कि यहाँ से थोड़ा सा डर हो सकता है कि ये और अच्छे जाएगा, ये मैं अलर्ट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब तक मैं आप लोगों को ट्रेड देता हूँ ना तब तक मैं खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता। आप हमेशा देखेंगे मैं 10:30 11:30 तक मेरा इंटरडे कॉल देना खत्म फिनिश हो जाता है, तो इसीलिए उसके बाद ही मैं खुद का ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा ट्रेड किया हूँ, अब देखिए एसएमसी प्लेटफॉर्म के अंदर मेरा ये सारा ट्रेड चलता है और यहाँ पे फर्स्टली मेरा कोड है, कोड के साथ नाम है, नाम के साथ आज का डेट है चोला फाइनेंस में। मॉर्निंग पे मैं ट्रेड यहाँ पे लास्ट मॉर्निंग का ट्रेड ये है पीईएल, जो मैं इक्विटी में ट्रेड किया हूँ 100 क्वांटिटी में, जहाँ पे मेरा प्रॉफिट चल रहा है 1415 रुपया। ओके, और जो चोला फाइनेंस पे कैश पे मैं ट्रेड किया था, सिर्फ मैं कितनी क्वांटिटी में किया था, 100 क्वांटिटी में किया था और वहाँ पे मेरा लॉस हो रहा था 790 रुपया, 719 रुपीस। ओके, और अभी जब मैं फुल 100% श्योर हो गया, कन्फर्म हो गया, तब मैंने क्या किया, 27.10 रुपये में एक लॉट बाइंग किया, 1250 का लॉट है। ओके, और मैं 29.90 रुपये में यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। मैं आपको बता रहा था कि 30 का टारगेट है, मैंने अभी ये नहीं बताया कि 30 का टारगेट मैं क्यों डिसाइड किया, मैं वो भी बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट चल रहा है 3500 रुपया, ओवरऑल मेरा 4125 रुपये का प्रॉफिट फिलहाल अभी तक चल रहा है। कितने अमाउंट के साथ, बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ दोस्त। और एक मजेदार बात बताऊं, एसएमसी के अंदर मैक्सिमम मेरा होल्डिंग स्टॉक है, वहां पे एक पैसा का भी क्रेडिट नहीं है, मुश्किल से 200-500 रुपए का क्रेडिट है, बट जो मेरा होल्डिंग पोजीशन है ना उसी के अगेंस्ट में मैं अगेन ये दोनों ट्रेड लिया हूं। 100 क्वांटिटी पीईएल में होल्डिंग पर्पस बाइंग किया हूं, जो ऑप्शन ट्रेड लिया हूं ये भी मैं वही जो होल्डिंग अमाउंट है उसी अमाउंट के अगेंस्ट पे लिया हूं।
आप नहीं जानते हैं या जानना चाहते हैं कैसे होता है, जो मेरा पूरा अगर होल्डिंग स्टॉक है उसके अगेंस्ट में मैं कैसे इंट्राडे ट्रेड कर सकता हूं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो मेरा टारगेट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं ये टारगेट क्यों लिया। राइट, देखो मैंने इस कॉल ऑप्शन पे चलता हूं और 5 मिनट का चार्ट पे चलता हूं, तो यहां पे जो दिख रहा है आपको, जो प्रीवियस जो हाई था ना, प्रीवियस जो हाई था, ध्यान से देखिए, मैं पूरा चीज आपको खुलासा करके क्लियरली दिखाना के चाह रहा हूं। तो यहां पे जो प्रीवियस हाई था ये नियर अबाउट 30 के आसपास था। राइट, तो इसी बेस पे यहां पे क्या था, 30 और 30, ये देखो ये जो प्राइस है ये 30 रुपीज 70 पैसा है। तो मैं, ये मेरा फर्स्ट टारगेट था। अब बोलोगे सेकंड टारगेट आप 32 कैसे सिलेक्शन किया, तो यहाँ पे मैं सिंपली एक इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ। सिंपली देखो इंडिकेटर पे जाता हूँ और पिवोट पॉइंट। आप बोलोगे सर ये पिवोट पॉइंट ऑप्शन में भी काम करता है? डेफिनेटली काम करता है दोस्तों, डेफिनेटली काम करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो कहाँ इसी ऑप्शन ने सपोर्ट कहाँ पे लिया, किस जगह से आया ये 22 रुपया से 32 रुपया, 10 रुपया, यानी कि आपने अगर 22 रुपया करीब बाइंग किए होते तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, सिर्फ सीधा 10 पॉइंट इंटू 1250, यानी कि 12,500 रुपया। ओके, तो ये था हमारा 32 का टारगेट का मंत्र। ओके, तो 100% श्योर होगा कि नहीं ट्रेड, आप लोग 100% श्योर करेंगे कि नहीं? देखो जितनी चीज मैं यहाँ पे दिखाया ना, सिर्फ उतनी के साथ काम कीजिए। और मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट का टारगेट दिखाया, तो आपको 10 पॉइंट का टारगेट का एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपने तीनों कंडीशन देखा, मार्केट में उतरा, प्रॉफिट ले लिया। आप अगर टाइम देखना चाहोगे मैं किस टाइम पे लिया था, तो बहुत ही मिनिमम टाइम, सिर्फ यहाँ पे टाइम दिखा था क्या, मेरे ख्याल से टाइम यहाँ पे नहीं दिखता है। तो आप इस चार्ट के अंदर ही देखिए, चार्ट पे दिखता हूँ जी, ये मैं 27 रुपया पे ट्रेड लिया था 1:05 पे, और मेरा जो 30 का टारगेट लिया है ये मेरा 1:10 से 15 मिनट के अंदर, सिर्फ 5 to 7 मिनट के अंदर मेरा ये टारगेट अचीव हुआ है। ओके, तो गाइस ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल मिला है, 100% कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लाना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी है। जिन्होंने अभी लास्ट तक वीडियो देखे होंगे जरूर जरूर मार्केट में प्रॉफिट करेंगे। तो गाइस अगर अच्छा लगा तो दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन पे आपको महत्वपूर्ण सुझाव डालिएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।